क्वेश्चन दिया है सेलेक्ट द मालिक्यूल इन विच पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड। कंजुगेटेड सिस्टम के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी डबल सिंगल डबल हो गया तो इसे हम बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। जहाँ कहीं भी कंजुगेटेड सिस्टम होता है वहाँ पर होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों को मालूम है। अब देखिए ये सिस्टम अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वहाँ पर कंजुगेशन होगा, यही हमें चेक करना है। पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड, डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो जो एक कंपाउंड डला हुआ है आप देख सकते हैं इसमें डबल डबल दिया है, फिर सिंगल, फिर इसके बाद में सिंगल आ गया, क्या यहाँ पर कंजुगेशन होना चाहिए? कंजुगेशन नहीं है तो ना तो इसमें रेजोनेंस होगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। अच्छा बी में अगर आप देखें तो बी में क्या दिया हुआ, डबल इमिडिएटली डबल, तो ऐसे एक कंपाउंड को क्या बोला जाता है, क्यूमुलिन बोला जाता है, और ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। रीजन क्या होता है, जैसे आपने लिया हुआ CH2 डबल बॉन्ड C और इसके बाद में CH2 ऐसा कुछ कंपाउंड डला है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड, तो दो बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एक छोटा सा आइटम है, छोटा आइटम की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पास पास में आने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन। और जहाँ कहीं भी रिपल्सन होता है एनर्जी ज़्यादा हो जाती है सिस्टम की, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाता है। तो ये लीस्ट स्टेबल कंपाउंड माना जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं सी ऑप्शन के बारे में बात करूं, तो ये आपका देख सकते हैं ये डबल हो गया, फिर इधर जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं, इधर यहाँ पे जाते हैं डबल, फिर इसके बाद में सिंगल, ये आपका डबल हो गया। इस कंपाउंड को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, देख सकते हैं ये आपका कंपाउंड है CH2, फिर इसके बाद में डबल, फिर इसके बाद में CH, और फिर इसके बाद में COO, और यहाँ पर ये H डला हुआ है, ये आपका C कंपाउंड है, डबल सिंगल, और ये आपका डबल। क्या यहाँ पर कंजुगेशन है? ऑफ कोर्स कंजुगेशन है। अगर यहाँ पर कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें केवल कंजुगेटेड सिस्टम आइडेंटिफाई करना है, तो बोलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।